सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिवावा, ज्ञान अमृत रोज पिलाकर मनुष्य से देवता बनाने वाले बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम ही बहुकाल से बिछड़े हुए हो, तुमने ही पूरे 84 जन्म का पाठ बजाया, अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी मेरे हो। फिर बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। और तीसरी बात, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूं। और चौथी बात बाबा कह रहे हैं, बाबा हमें भक्ति का फल मतलब सतगति देने आए हैं। और पांचवी बात है, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। और छठी बात, भगवान ने हमें मां बनकर एडप्ट किया है, तो हम हो गए गॉडली स्टूडेंट। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं उन्हें अपार खुशी रहती है। भगते बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा है, बाबा मतलब भगवान हमको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और खुशी होगी तो चेहरे पे आनी चाहिए। तो बाबा इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे, मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है, जैसे मुसलमान लोग पटाखा घड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं, यहां तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व को मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है, यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। यह खुशी किन्हों को चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए हैं, जैसे संसार में भी बिछड़ जाते हैं, मिलने के बाद कितनी खुशी होती है। तो परमात्मा से हम 5000 साल की बात, हाँ 5000 साल बिछड़े हुए हैं, फिर बाबा से मिल लें तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और हम बच्चों को खुशी हो रही है। बाबा कहते हैं तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना, ये बाबा कहते हैं मैं भी इसमें प्रवेश हूं। कभी बच्चा बन जाता हूं, कभी माँ भी बन जाता हूं, क्योंकि बाबा जादूगर है ना। कोई फिर इस खेल फाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रीति सिद्धि रिद्धि का काम बहुत चलता है, कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा और उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहां तो सारी ज्ञान की बात है। पहले यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूं, और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूं। ऐसी नॉलेज कोई दे ना सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। भल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसी जिसकी भावना होती है वो मैं पूरी करता हूं, भक्ति में बाबा कहते हैं। परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं, मेरे को तो पहचानते ही नहीं। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी है
और मैं आत्मा भी बिंदी हूं। तो बिंदी बन के, बिंदी समझ के बिंदी बाप को याद करना है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वो इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। भगते इस समय तुम यहां बैठे हो, जानते हो हम यहां हैं, फिर मुरझाइस आदि क्यों आनी चाहिए, परंतु यह परिपक्व अवस्था अंत में आएगी। गायब हुआ है अतीन्द्रिय सुख, पूछना है तो किसको पूछें? गोप गोपियों से पूछो। और वो गोप गोपियां कौन हैं? हम बच्चे। शास्त्र में ऐसी बहुत बातें लिख दी है कि वहां ही हिरण्यकश्यप आदि थे। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति भी पहले पहले स्वतो प्रधान होती है, पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान हो जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूं, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं, सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ आदि यात्रा सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा का बहुत अच्छा उदाहरण है। भगते मीरा का भोले साक्षात्कार हुआ, परंतु वो कोई विश्व की मालिक थोड़ी ही बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन बनो, तुमको काम देता हूं सिर्फ अल्फ वे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है ना, जिन खा गया। बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है, अपार खुशी। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम ले चलने आया हूं। भगते तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापना कर रहे हैं। वो फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए, समझते हैं मरना और मारना है। यहां तो वो बात नहीं, बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि भगवान हमको पढ़ाते हैं। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था, नाम बदलकर कृष्ण रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन योग है। तुमको कितनी अच्छी रीति समझाते हैं बाबा। बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। कृष्ण तो पति दुनिया में आ ना सके, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितनी भारी गलती कर दी है, कितनी भारी गलतफहमी है, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। मैं आता ही हूं तब जब तुमको मुक्ति धाम ले जाना पड़े। तो बाबा इस धारणाओं में कहते हैं माया के बार से बचने के लिए जिन बन अलफ और वे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है। बाप से सच्चा लोभ रखना है, कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, निश्चित स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वो हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि और निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम कदम पर रखना है, मतलब कदम कदम पर रखना है, कदम पर कदम रखना है।
जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी बन जाएंगे। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सोमा लेंगे, मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए एक एक ज्ञान रत्नों से अपने आप को भरपूर करना है। इतना भरपूर करें कि भरपूर हाथ से हम जाएं और सत्युग में विश्व की बादशाही प्राप्त करें। इसलिए निरंतर अनुभव करें कि सर्वशक्तिमान बाबा सदा मेरे साथ है, ज्ञान रत्न दिव्य शक्तियां मुझे दे रहे हैं, मेरे मस्तक के ऊपर परम सितारा चमक रहे हैं, उनकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।